आपने फाइनल डेस्टिनेशन, सॉ और क्यूब जैसी मूवी सीरीज तो जरूर देखी होगी। अब गेस व्हाट, इन सभी मूवी सीरीज में एक चीज कॉमन थी, गेस व्हाट, एवरीबॉडी डाइज इन द एंड। हाँ हाँ, अब आप ये कहेंगे कि नहीं भाई, हर कोई नहीं मरता था, एक दो जन लास्ट में बच जाते थे, बट मेरा कहने का मतलब ये है कि अल्टीमेटली वो लोग भी अगले पार्ट में मर ही जाते हैं। अब कुछ इसी थीम पर बेस्ड है हमारी अगली मूवी जिसका नाम है एस्केप रूम। सब्सक्राइब कीजिए FeatFlix और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मूवी अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। स्टोरी है 6 अलग अलग लोगों की जो एक दूसरे को बिल्कुल भी नहीं जानते। हर एक को एक बॉक्स मिलता है जिसको खोलने के बाद इनको मीनोस एस्केप रूम का पता मिलता है और उसमें लिखा होता है कि अगर वो उनके सो कॉल्ड एस्केप रूम से निकलने में कामयाब होंगे तो उन्हें $10,000 मिलेंगे। अब ये 6 के 6 लोग, कोई पैसे की लालच में, कोई कुछ प्रूव करना चाहता है उसकी धुन में, तो कोई किसी को इम्प्रेस करना चाहता है उसकी वजह से ये गेम खेलने चले जाते हैं। पहले तो इन सभी को लगता है कि ये गेम सिर्फ गेम ही है, नथिंग मोर, बट आगे जाके धीरे धीरे इन सभी को ये एहसास होता है कि ये गेम सीरियस है और इतनी सीरियस है कि इन सभी की जान भी जा सकती है। कैसे ये 6 लोग इस रूम से बाहर निकलते हैं या निकल पाते हैं भी या नहीं, कुछ इसी स्टोरी पर फोकस करती है ये मूवी। तो क्या ये मूवी देखने लायक है? लेट्स फाइंड आउट। उनके सीक्रेट्स, ये मेरा हॉस्पिटल बेड था, मेरा भी, उसकी चाबी है, ये रूम्स हमारे लिए ही बनाए हैं। तुम्हें ऐसी चीजें दिखती हैं जो असल में नहीं होती। ये मेरा वहम नहीं है, हम जिंदगी चुन सकते हैं। मुझे नहीं खेलना, मुझे यहाँ से बाहर निकालो। इसीलिए उन्होंने हमें चुना। एस्केप रूम। एस्केप रूम रिलीज हुई ऑल ओवर इंडिया में 1 फरवरी 2019 को और ये रिलीज हुई इंग्लिश एज वेल एज हिंदी लैंग्वेज में। पहले ये रिलीज होने वाली थी 5 जनवरी को, जैसा कि मैंने अपने अपडेट्स में कहा था, मगर भाई ये सोनी की मूवी है और सोनी कुछ ना कुछ तो करते रहती है अपने मूवीज के साथ में, सो अल्टीमेटली वर्ल्ड वाइड जो रिलीज डेट था इसका 5 जनवरी को, बाकी सब जगह तो रिलीज हो गया मगर इंडिया में ही अटक गया और ये 1 फरवरी को रिलीज हुआ, जिसकी वजह से मुझे काफी गालियां भी मिली। बट मैं क्या कर सकता हूँ यार, मैं अपडेट्स दे रहा हूँ, अगर सोनी चेंज करने की कोशिश कर रहा है तो यूट्यूब ने कोई ऐसा फीचर नहीं डाला है कि मैं वीडियो में जाके उसको अंदर ही अंदर एडिट कर सकूं। सो अगर डेट चेंज होते हैं तो मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन जरूर एडिट कर देता हूं, तो प्लीज अगली बार गाली देने से पहले चेक द डिस्क्रिप्शन। तो ये मूवी सॉ, फाइनल डेस्टिनेशन और क्यूब मूवी सीरीज के थीम के ऊपर बेस्ड है, जहाँ पर हर कोई अपने बस जान बचाने की कोशिश करता रहता है। मगर जो एक चीज इस मूवी को उन मूवी फ्रेंचाइज से अलग हटके डालती है वो ये है कि इस मूवी में कहीं पर भी कोई भी ग्राफिकल सीन नहीं है, यानी कि हाथ काटने वाला सीन या चीर फाड़ ऐसा सीन या जल जाने वाला सीन, ऐसा कोई भी सीन नहीं है इस मूवी में। तो कह सकते हैं कि एक तरीके से आप इस मूवी को अपने फैमिली के साथ में भी एंजॉय कर सकते हैं। अब मूवी जब स्टार्ट होती है तो 1 मिनट के लिए ये 6 लोग जो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इनको ऐसा लगता है कि ये 6 के 6 लोग ही इस रूम में क्यों फंसे हुए हैं, ऐसा क्या है इन 6 के बीच में जिसकी वजह से फंसे हुए हैं। ऑल दीज पीपल आर ट्राइंग टू फाइंड दैट लिंक, मगर रूम के चक्कर में, यानी कि रूम में इतना कुछ हो रहा होता है कि ये लोग कभी उस बात पे कभी फोकस करते ही नहीं है कि ऐसी क्या एक चीज है जो इन सभी को एक साथ इस रूम में लाई है। और इसी की वजह से कहीं ना कहीं आपको भी ये लगता है मूवी देखते वक्त कि यार कोइंसिडेंटली है 6 लोग बस एक रूम में आ गए हैं और ये बचेंगे या तो नहीं बचेंगे, दैट्स इट, मूवी बस यही है। अगेन इसकी वजह से, यानी कि इस कारण की वजह से, और क्योंकि तो मूवी में बहुत सारे इम्प्रेसिव VFX है, एक रूम बनाया गया है जो कि अपसाइड डाउन है, वो काफी इम्प्रेसिव था। आई मीन लाइक पूरे मूवी का वो जो उस रूम का जो एस्केप सीन था वो काफी इम्प्रेसिव था। इतनी सारी चीजें होने के बावजूद भी तो मूवी का स्टार्ट का 1 घंटा आपको उतना इम्प्रेस नहीं कर पाता। आई मीन लाइक हम वही रूटीन चीज देखते हैं कि कुछ लोग फंसे हैं, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, क्लूज ढूंढ रहे हैं, एक्सेट्रा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कई सारी मूवीज में देख लिया है। उसके अलावा स्टार्टिंग के 1 घंटे में मूवी कुछ नया ऑफर नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं स्टार्टिंग का 1 घंटा मुझे थोड़ा बोर लग रहा था। मगर जिस चीज ने मुझे इम्प्रेस किया मूवी में वो थी इस मूवी की एंडिंग। ये मूवी 1 घंटा 40 मिनट की है और स्टार्टिंग के 1 घंटे के बाद में धीरे धीरे हर एक प्लॉट खुलते रहता है और जितना भी सस्पेंस है आपके सामने खुलता रहता है कि ओ बॉस, फाइनली ये सारी चीजें चल रही थी बैकग्राउंड में। आपको ये पता चलता है कि कैसे ये सभी लोग एक दूसरे से कनेक्टेड है, जिसके बारे में आपने ना तो पूरा मूवी देखते वक्त सोचा था और ना ही आपको कोई आइडिया भी था। आई मीन लाइक इन कैरेक्टर्स को जो मूवी में थे उनको खुद को भी आइडिया नहीं था कि ये एक दूसरे से एक्चुअली कनेक्टेड है। अगेन ये ऐसा भी होता है कि पूरे मूवी में आपको कोई हिंट भी नहीं मिलता, इसलिए
हाँ, हिंट के तौर पर कोई कोई एक हर एक कैरेक्टर का हल्का सा फ्लैशबैक मिलता है, माइनर, जिसमें आप कुछ गेस नहीं कर सकते। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि हमारी गलती है, ऑडियंस की गलती है कि वो स्टोरी को गेस नहीं कर पाते, बट स्टिल ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं कि आप इस मूवी के स्टोरी को गेस नहीं कर पाते कि भाई आखिरकार चल क्या रहा है। अगेन हिंट के तौर पर जो आपको फ्लैशबैक दिखते हैं उससे आप सिर्फ एक अंदाजा लगा पाते हैं कि भाई ये हर एक बंदा जो है अपने लाइफ में किसी न किसी चीज से जूझ रहा है, जो कि अगेन आपको लगता है कि यार ये हिंट नहीं हो सकता। आप ये सोचते हैं कि हाँ ठीक है ना यार, ये तो हर किसी न किसी की लाइफ में एक ट्रेजेडी चलते रहती है, वो सोच रहा है, इस सब चीज का मूवी से क्या लेना देना। दैट्स वेरी यूर रॉन्ग, क्योंकि इन सभी चीजों का मूवी के एंड से रिलेशन है। एक्चुअली मूवी का जो मेन थीम है वो इन्हीं सभी चीजों से रिलेटेड है। अगेन जिस तरीके से मूवी एंड हुई है, मूवी का एंडिंग देखने के बाद में ये तो 100% श्योर हो जाता है कि इस मूवी का सेकंड थर्ड पार्ट या क्या पता शायद से इसके 5 मूवीज बन जाए, जैसे फाइनल डेस्टिनेशन के थे, सॉ के थे, एक्सेट्रा। एंड अगर ऐसा होता है तो यू नो आई वुड बी टोटली इंटरेस्टेड इन दैट, बिकॉज जिस तरीके से मूवी एंड हुई है, जिस नोट पर एंड हुई है, जो दिखाया गया हमें, आई वॉन्ट टू नो कि बॉस बेसिकली आखिर बैकग्राउंड में चल क्या रहा है, कौन है जो ये सब कर रहा है और आखिर क्यों। अगेन ये सवाल कि ये कौन है और क्यों ये सब कर रहा है, आई मीन लाइक एस्केप रूम में अगर ये लोग आए हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई ऑपरेट कर रहा है इसे, राइट। ये चीज पूरे मूवी में कहीं पर भी बताई नहीं गई, आखिर वो कौन है और क्यों ये सब कर रहा है और उसका मकसद क्या है, आखिर उसे हासिल क्या हो रहा है इन लोगों को एस्केप रूम में लाना और उनसे यू नो एक तरह से रिडल सॉल्व करना और एक्स वाई जेड चीजें जो होती हैं उन लोगों के साथ में क्यों कर रहे हैं उनके साथ में। आई मीन फाइनल डेस्टिनेशन में आप देखते हैं कि कुछ लोग मौत से बच गए होते हैं लेकिन मौत उनका पीछा नहीं छोड़ती है और फाइनली वो लोग मर जाते हैं। सौ मूवी सीरीज में हम देखते हैं कि कैसे वो जजमेंट पास करते हैं बाय बीइंग द जज एग्जीक्यूशनर हिमसेल्फ, मगर इस मूवी में वो रीजन नहीं मिलता हमें, एंड यही एक रीजन है जिसकी वजह से यू नो आई एम स्टिल इंटरेस्टेड इन द सेकंड पार्ट ऑफ द मूवी। मैं जानना चाहता हूँ कि यार आखिर ये सब कौन कर रहा है, और कहीं ना कहीं यही वो रीजन है जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं मूवी में इंटरेस्टेड नहीं रहते, क्योंकि आपका मूवी देखने के बाद में कोई तुक नहीं बनता कि भाई ये सब हो रहा था, अल्टीमेटली क्यों हो रहा था। यू जस्ट गेट अ मूवी, कुछ लोग भागने की कोशिश कर रहे हैं, भाग पाते हैं, नहीं भाग पाते हैं, दैट्स इट, द मूवी एंड्स। सो कहीं ना कहीं ये रीजन पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव तरीके से भी काम करता है। इस मूवी में दो कैरेक्टर्स की एक्टिंग में पहले भी देख चुका हूँ, पहला निक दोदानी की जो कि एटिपिकल में आपको बहुत हंसाते हैं, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका मैजिक यहाँ नहीं चलता, ऑल्सो मूवी में उनका रोल सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट था। दूसरा डेबरा एनविल, जिनको हमने डेयरडेविल की सीरीज में देखा ही है, और इस मूवी में आई थिंक ये अपनी एक्टिंग से आपको इम्प्रेस कर लेती है, क्योंकि अगेन इनको रोल ही कुछ ऐसा मिला था। इस पूरे मूवी में दो मेन कैरेक्टर्स है जिनका नाम मैं नहीं बताऊंगा वरना मूवी का स्पॉइलर दे दूंगा मैं, मगर ये दोनों इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स है, और इसलिए भी क्योंकि इन दोनों को इस मूवी में सबसे ज्यादा स्क्रीन टाइम मिला है और उनके बैकग्राउंड के बारे में भी हम कुछ ज्यादा जानते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों ही अपने एक्टिंग से आपको इम्प्रेस करते हैं। अब कौन है ये दोनों और आखिरकार मूवी के एंड में क्या होता है, ये लोग बचते हैं नहीं बचते हैं, और आखिर सस्पेंस क्या है मूवी का, ये सभी चीजें जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी, जो कि मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी चाहिए। तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7/10। तो दोस्तों अगर आपको हमारे मूवी रिव्यूज, अपडेट्स एक्सेट्रा अच्छे लगते हैं तो प्लीज सपोर्ट अस इन प्रमोटिंग दिस चैनल बाय सेंडिंग एनी अमाउंट यू कैन। आप हमें ऑनलाइन पेमेंट पेटीएम से, यूपीआई से या फिर पेपाल से भी पेमेंट भेज सकते हैं, डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, सो प्लीज सपोर्ट अस एंड हेल्प अस ग्रो। तो ये था हमारा रिव्यू मूवी एस्केप रूम का, आपको हमारा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, यू ऑल हैव अ वेरी ग्रेट डे।